रास्ता पूरा खाली है यार आज तो सुबह सुबह। क्या बात हो गई, पूरा हाईवे ही खाली है। अरे भाई, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है क्या यार कि मैं नई गाड़ी अभी मैजिकल पेंटिंग पैड से ड्रॉ करके लाऊं एंड रास्ता खाली मिले। क्या बात है, अब होगी एकदम बढ़िया वाली टेस्टिंग, लेट्स गो। नहीं हो पाएगी टेस्टिंग क्योंकि आगे ये क्या हो रखा है भाई। अरे ये तो लग रहा है कोई भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अब तुम लोग कर क्या रहे हो भाई खड़े होके, हटाने की कोशिश करो ये। ओके गाइस रुक जाओ यार, ज़रा समझने दो एक्सीडेंट हुआ क्या है यहाँ पर। ओके डेफिनेटली एक ये रेत से भरा ट्रक होगा, एक ये रेत से भरा ट्रक होगा। एंड जिस हिसाब से यहाँ ये रेत पलटी हुई है इसका मतलब ये ट्रक भी पूरा रेत से भरा होगा। एंड यहाँ पर ये ट्रक भी पलटा हुआ है मतलब ये ट्रक भी रेत से भरा हुआ होगा। तो सीन क्या हुआ है, ये बड़े वाले रेत के दो ट्रक, छोटे वाले रेत के दो ट्रक आपस में चारों भिड़ गए, जिसकी वजह से सारे ट्रक व्रक पलट गया भाई एंड सारा रेत वगैरह बिखर गया। उधर दो बसें पलटी हुई हैं, तो इनका सीन क्या होगा, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि आगे रेत गिरा हुआ है एंड इसके ऊपर से बस चढ़ाने की कोशिश में इन दोनों की बसें पलट गई, तो ये सीन हुआ है। अबे तो हटाने की कोशिश तो करो बे, सारे बंदे भाई साहब एक ही जगह पर। ओ ओ देखो भाई आराम से, सारे बंदे वो देखो भाई उधर गाड़ी लगा लगा के इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो ये रेत के ट्रक हटाए। इधर देखो भाई बंदे लाइन से इंतजार कर रहे हैं। और ये एक्सीडेंट हुआ भी कहाँ है भाई, ऐसी जगह पे जहाँ पर चारों तरफ भाई मतलब तीन तरफ से रास्ते हैं। फिलहाल इधर भी बंदे इंतजार कर रहे हैं। अबे कोशिश तो करो ये सब हटाने की। हमारे बस की तो नहीं है, तेरे बस की है तो तू हटा के दिखा बे। अच्छा ठीक है अभी दिखा देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। लेट्स गो गाइस, ये ट्रक अभी मैंने सीधा किया है, इसके अंदर बैठते हैं एंड इसे हटा देते हैं यहाँ से। देखना चाह रहा है ना बेटा, ये ले ये देख ट्रक तू। अरे ये क्या हो गया, अबे ये क्या सीन है ट्रक के साथ। अरे ये ट्रक गाइस अजीबोगरीब तरीके से क्यों चल रहा है। ओ नो, ये ट्रक कुछ तो अलग है भाई, बंद भी पड़ गया। ये ट्रक नहीं चल रहा भाई, ये ट्रक चल ही नहीं रहा। अब बता क्यों नहीं कर लिया तूने ट्रक आगे पीछे। अरे तो कोई बात नहीं, ट्रक हटा के मिलके उठा देते हैं ट्रक को एंड फिर साइड में कर देते हैं। हम तो हाथ नहीं लगाने वाले, तेरे में दम है तो तू करके दिखा। अकेले कैसे हटाऊंगा मैं ट्रक, बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं गाइस, इस वाले ट्रक को सीधा करते हैं एंड देन इससे फिर ये धक्का देके साइड में हटा देंगे। अबे तू देख बे कैसे हटाता हूँ मैं ये ट्रक। ओके कम ऑन, सीधा हो जा भाई। रुको गाइस, हल्का सा पुश चाहिए इस ट्रक को सीधा करने के लिए। कम ऑन ट्रक भाई सीधा हो जा। वेट, हल्का सा पुश। कम ऑन ट्रक भाई सीधा हो जा। अबे यार फूट गया खोपड़ा। बता बे क्या कर लिया तूने, खुद का खोपड़ा फूट गया ना, मिल गई शांति। अबे यार मजाक उड़ा रहा है, अब तो ट्रक हटा के रहूंगा मैं। अबे रहन दे, शाम तक पता चले यहाँ पर बेहोश हो गया तू। भाई साहब ज्यादा हो रहा है अब ये, मदद तो तुम्हें करनी है नहीं, एक बंदा कोशिश कर रहा है तो उसका भी मजाक उड़ा रहा है। तू तेर में बजा दूंगा मैं। अबे तू मेरे में क्या बजाएगा, उस ट्रक को सीधा करके दिखाने इतनी औकात है तो। अरे यार ये ट्रक तो सच में ही सीधा नहीं हो रहा है। ओके अबे ऐसे तो नहीं होगा, उठाने के मेरे बस की तो बात है नहीं इस ट्रक को। ये सीधा हो गया, ये क्यों नहीं सीधा हो रहा, ये थोड़ा और हैवी व्हीकल है ना भाई। सीधा हो जा प्लीज यार ट्रक भाई, इज्जत का सवाल है, ट्रक ही नहीं सीधा हो रहा। निकल गई सारी हवा, अब चल हट यहाँ से। भाई मैं ट्रक को हटाऊंगा एंड बिल्कुल हटाऊंगा, बस मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट। अबे इतनी देर से तू कुछ नहीं कर पाया तो 5 मिनट में क्या उखाड़ लेगा। हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ, बस 5 मिनट दे दो, अगर कुछ नहीं उखाड़ पाया तो मैं शांति से चला जाऊंगा। ठीक है बेटा देख, अगर तू 5 मिनट बाद आया एंड इस ट्रक को नहीं उठा पाया तो मैं तेरे को एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा। ठीक है एंड मैंने इस ट्रक को अगर उठा के साइड में कर दिया एंड ये रेत वेत मतलब सारे ट्रक हटा के साइड में कर दिए तो फिर मैं सर आपको एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा, मंजूर है। मंजूर है मुझे। ऐसे कैसे ट्रक हटा लेगा, वो तो अभी 5 मिनट बाद पता चल ही जाएगा। लेट्स गो गाइस, तेजी के साथ भाई निकलते हैं अपने घर पे एंड जल्दी से जाके मैजिकल पेंटिंग पैड का यूज करके फटाफट से स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं भाई। लेट्स गो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं। तभी सोचूं ये हाईवे खाली क्यों है, आगे पूरा बंद हुआ पड़ा इसलिए बंदे इधर उधर गाड़ियां मोड़ मोड़ के ले जा रहे होंगे। खैर जल्दी से घर चलते हैं गाइज एंड स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं एंड इस बंदे के सामने भाई ये जो शर्त लगी है इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन भाई बजाऊंगा मैं उसमें थप्पड़, तुम लोग देख लेना भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। लेट्स गो, आ गया भाई घर की तरफ आ गया, गाड़ी इधर साइड में लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं छत पे। चौप भाई हट जा साइड में, साइड में हट जा यार चौप।
कलुआ क्या हो गया बे? अबे तू फिर अपनी नई गाड़ी लेके गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तू और जा भी, मेरे को बहुत ही ज्यादा जरूरत है मैजिकल पेंटिंग पैड की। लेकिन हुआ क्या बता ना भाई कलुआ, हुआ क्या एक्चुअली में? अबे सीन क्या हो गया, मैं जा रहा था भाई अपनी गाड़ी लेके हाईवे से, उधर भाई बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 4 ट्रक्स का एंड 2 बसेस का। बस उधर से फिर मैं सोचा भाई थोड़ी कोशिश करते हैं, बंदों की हेल्प करते हैं। बंदा भाई एक मेरे से ही फालतू बोल रहा है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू नहीं हटा सकता। फिर मैं उससे शर्त लगा के आ गया भाई कि 5 मिनट बाद ये सब ट्रक्स को मैं ही हटाऊंगा, एंड शर्त लगा ली भाई मैंने उस बंदे से। अबे तो शर्त किस बात की लगी है? शर्त लगी है भाई थप्पड़ मारने की, तो अगर नहीं हटा पाया तो वो तेरे को थप्पड़ मारेगा। बिल्कुल। और हटा दिया तो मैं उसके जोरदार थप्पड़ मारूंगा। अबे तो तेरा थप्पड़ तो बहुत जोर से लगेगा अगर तू स्ट्रांग बन के गया तो। यही तो चाहता हूँ मैं, वो हटा के भाई ऐसा जोरदार फटका मारूंगा वो सीधे समुद्र में उड़ के जाएगा, बगल में ही समुद्र है। लेट्स गो गाइस, बंदे हैं अभी लिटरली में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। हियर वी गो, लेट्स गो। 3, अरे किस बात का 3, 2, 1, अभी कलर तो भर लूँ मैं। पैंट ब्लैक कलर की एंड ये बॉडी तो अपनी ब्राउन, इधर मस्त बेल्ट ऐसा ही कुछ ग्रे ब्लैक कर देते हैं, एंड इधर लिख देता हूँ भाई स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रैंकलिन एवर। लेकर आते हैं इस फ्रैंकलिन को रियल लाइफ। लेट्स गो 3, 2, 4। चॉप भाई, जस्ट लुक एट दिस भाई, जस्ट लुक एट द बॉडी, कैसी लग रही है भाई बॉडी। एंड अपनी ये ब्लैक कलर की चड्डी, रेडी हूँ भाई, तुम लोग एक बार बॉडी तो देखो कितनी तगड़ी बॉडी है। एंड अब इस बॉडी के साथ मैं अगर उसको एक जोरदार फटका मारूंगा भाई, क्या हालत होगी उसकी, मजा आने वाला है। लेट्स गो, उधर बहुत सारे बंदे थे, उन बहुत सारे बंदों के सामने मैंने भाई उससे शर्त लगाई है, बारी अब उस शर्त को कम्प्लीट करने की। एक जंप और एंड मैं डायरेक्टली उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे पहुंच जाऊंगा, या फिर शायद एक जंप और एक्स्ट्रा लगेगी। ऑलमोस्ट पहुंच गया यार मैं, क्या बात है, दूसरी जंप में ही। एक और जंप लगाते हैं, बढ़िया सी, कम ऑन, बढ़िया सी जंप। अबे लगी नहीं जंप थी मेरी, ओके नाइस, मिनी जंप थी ये तो, थोड़ी सी बड़ी जंप, थोड़ी सी और बड़ी जंप चाहिए होगी। अरे ये कैसी छोटी छोटी जंप्स लगा रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ी जंप लगा दी भाई, पानी के अंदर आ गया मैं, इतनी भी बड़ी जंप नहीं लगा दी, लगानी थी बट कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। वेलकम एवरीवन। हेलो भाई, याद आया कुछ? अबे तू कौन है बे? सर आपने कुछ देर पहले जिससे शर्त लगाई थी। अबे तेरी शक्ल तो कुछ और थी बे। हाँ वो एक्चुअली मैं थोड़ा जिम विम करके थोड़ी बॉडी वॉडी बढ़ा के आया हूँ मैं। अबे ठीक है चल, हटा के दिखा, तेरे बस की भी नहीं है भले ही बॉडी कितनी भी हो, इतने भारी भरकम ट्रक थोड़ी ना हटा लेगा। देख लेते हैं सर अभी। तो सर आप इस ट्रक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये लो सर, क्या करना था इसका बताओ सर, कहाँ फेंकूँ? ये लो सर, फेंक दिया मैंने दूर। सर रास्ता क्लियर हो गया है, वहाँ भी अगर आपको मंजूर नहीं है तो ठीक है, थोड़ा और दूर फेंक देते हैं इधर समुद्र की तरफ। सर रास्ता क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके। ये बड़ा सा ट्रक है, इसे भी फेंक देते हैं सर, बस जो है इसे भी फेंक देते हैं, रास्ता क्लियर करना है क्विकली। तो आप देख सकते हैं सर मैं यहाँ पर रास्ता क्विकली क्लियर कर रहा हूँ। अबे लेकिन रेत का क्या, तूने रेत भी बोली थी। ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हो सर, आप बस चिल करो। अब देखो क्या करता हूँ मैं, रेत, इस रेत का क्या है, इसको तो टच करते ही गायब कर दूंगा मैं, टच करते ही। अबे ये कैसे कर रहा है तू? बस सर मैजिक, इट्स मैजिक यू नो, बस चीजें हो जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ये वाले रेत भी हटा दिए मैंने गाइस, एंड ये रेत भी हटा देते हैं। चल भाई यहाँ पर पंच जोरदार उड़ा दिया भाई, ओ भाई पूरी रेत ही उड़ गई एक साथ, क्या बात है। तो सर यही पावर है मेरी, बस आप हल्के में ले रहे थे, अब शर्त तो मैंने कंप्लीट कर दी। अभी कहाँ, अभी ये 2 रेत रह गई है। अरे ठीक है ये भी हटा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो सर गायब, ये आखिरी रेत रह गई है सर, ये भी हटा देते हैं। ये लो सर, ये भी गायब। आप बताओ, तो मैंने शर्त तो कंप्लीट कर दी, ट्रैफिक खुलवा दिया सर, एंड आपने कहा था कि मैंने ये सब कुछ कर दिया तो मैं आपको थप्पड़ मार सकता हूँ, एंड अगर नहीं कर पाया तो आप मेरे थप्पड़ मारोगे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि थप्पड़ किसे पड़ने वाला है, किसे पड़ने वाला है, तो बस तैयार हो जाओ सर। हियर वी गो गाइस, एक बहुत ही जोरदार थप्पड़, नहीं मुक्का, बस निकल चल बेटा, बाय बाय। हेलो सर, आर यू ऑल राइट? ओके, लगता है सर तो बेहोश हो गए 2 मुक्कों में ही। वैसे बात तो एक मुक्के की हुई थी, वैसे बात एक मुक्के की भी नहीं हुई थी, बात तो एक थप्पड़ की हुई थी, बट क्या कर सकते हैं भाई, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि ये सब करना पड़ा। अबे अब तो चलाओ ना, ट्रैफिक खाली हो गई सड़क, अब किसका मुंह देख रहे हो, मैं आके सर्कस दिखाने के लिए बैठा हूँ, चलो चलो ट्रैफिक कंटिन्यू करो।
यहाँ पर भाई ट्रैफिक क्लियर हो चुका है वापस से, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, देख सकते हो तुम लोग इधर से भी सारा ट्रैफिक क्लियर हो चुका है। तो कर ही दिया भाई फाइनली मैंने ट्रैफिक क्लियर। खैर तुम लोगों को ये आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखते हैं वो बंदा होश में आ गया क्या जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, इधर ही गिरा था ना वो। एक सेकेंड, ओ लगता है होश में आ गया एंड वो भाग गया। अब दोबारा कभी जिंदगी में वो किसी से शर्त नहीं लगाने वाला भाई। तो तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बन गया यार सीरियसली मैं। हेलो भाइयों कैसे हाल चाल, ये लो गाड़ी भाई उड़ा दिया बंदों को।